आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन जो है वो क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वैल्यूएशन हम किस पर्पज से करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिंकिंग फंड, स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, ये सारी कुछ डेफिनेशन हमने कैलकुलेट की थी और कैसे इनको हम इंटरवेज जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए थे। आज जो है हम रेंट फिक्सेशन पर बात करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आपको वैल्यू दी हुई है, कैपिटलाइज वैल्यू दी हुई है, तो अगर आपको उसका रेंट पर मंथ जो है वो कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले पता होनी चाहिए ग्रॉस इनकम क्या है आपकी प्रॉपर्टी की। उस ग्रॉस इनकम के बेसिस पर आप प्रॉपर्टी का रेंट जो है पर मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है। तो जैसे कि न्यूमेरिकल में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है जिसका कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज इसकी क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू है। इसका जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो दिया हुआ है 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 6%। आउटगोइंग्स जो दी हुई है, मतलब कि ग्रॉस इनकम में से जो हम हमारा अमाउंट है जो भी डिडक्ट करते हैं हम किसी भी पर्पज से, वो होती है आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स दी हुई है हमारी 10% ऑफ ग्रॉस इनकम। तो आउटगोइंग्स दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैपिटलाइज वैल्यू दी हुई है। तो इसके बेसिस पर वो आपसे पूछ रहा है कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमको पर मंथ कितना रेंट जो है वो मिल सकता है। तो वो रेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको यहाँ पर। तो देखिए, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू होती है नेट इनकम इनटू इयर्स परचेस। नेट इनकम आपके पास दी हुई है अगर, तो आप इयर्स परचेस की हेल्प से कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो पता कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले क्या पता होनी चाहिए, नेट इनकम और इयर्स परचेस। तो इयर्स परचेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इयर्स परचेस क्या होता है, 1/r या फिर 100/r। आर जहां पर क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100/r, आर आपको दिया होता है 6%, तो 100/6। तो इयर्स परचेस की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट की 16.67। अब आपको क्या यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, नेट इनकम, क्योंकि नेट इनकम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपको कैपिटलाइज वैल्यू पता है, नेट इनकम नहीं पता है। इयर्स परचेस की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले से आप चाहें तो नेट इनकम जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, नेट इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू अपॉन इयर्स परचेस। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपको दी हुई है 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज हमने कैपिटलाइज वैल्यू रखी। आपको इयर्स परचेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 16.67, तो 16.67 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से आपके पास जो नेट इनकम निकल के आई है वो आई है 60,000 रुपीज। अब 60,000 रुपीज जो है वो नेट इनकम है। अब नेट इनकम में अगर आप आउटगोइंग्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मिलती है टोटल या फिर ग्रॉस इनकम। तो अगर हमें ग्रॉस इनकम पता करनी है तो हम कर सकते हैं नेट इनकम की हेल्प से। तो ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, नेट इनकम प्लस आउटगोइंग्स। तो यहाँ पर देखिए, आपको आउटगोइंग्स दी हुई थी 10% ऑफ ग्रॉस इनकम। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि ग्रॉस इनकम ही आपको नहीं पता है, तो आपको ग्रॉस इनकम पता करनी है विद द हेल्प ऑफ नेट इनकम, है ना। नेट इनकम दी हुई है आपको, आपको पता करनी है ग्रॉस इनकम, और आपको आउटगोइंग्स की वैल्यू जो दी हुई है वो भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस इनकम दी हुई है, 10% ऑफ ग्रॉस इनकम। तो इसके लिए हम क्या करें, हम जानते हैं ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, नेट इनकम प्लस आउटगोइंग्स। तो ग्रॉस इनकम को हमने ग्रॉस इनकम GI से डिनोट कर दिया। नेट इनकम हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके थे 60,000, तो 60,000 हो गई। 10% ग्रॉस इनकम आउटगोइंग से हमारी, तो 10% ऑफ GI। 10 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 10/100, तो GI। अब यहाँ पर आपके पास एक ही इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को आप इस साइड हम कैलकुलेट कर ले अगर, तो GI की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि GI जो है वो क्या है, ग्रॉस इनकम। आपके पास ये वैल्यू 60,000 अवेलेबल है, तो GI हमें यहाँ से मिल गया 66,667। तो पर ईयर हमारी ग्रॉस इनकम हमें हमारे पास आ गई है कितनी, 66,667। जब ग्रॉस इनकम आ चुकी है तो जितनी हमारी टोटल इनकम होगी वो हम रेंट के फॉर्म में पे कर सकते हैं। अब वो रेंट अगर पर मंथ आपको कैलकुलेट करना है तो रेंट पर मंथ क्या हो जाएगा,
ग्रॉस जितनी भी इनकम है डिवाइडेड बाय 12 मंथ, हमारे एक साल में जो है वो 12 महीने होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ से आपके पास जो कैलकुलेट होके आया रेंट, ये आया है पर मंथ रेंट कैलकुलेट होके, तो पर मंथ आपको 5,556 रुपए का रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10 लाख है और जो इसकी आउटगोइंग है वो 10% ऑफ ग्रॉस इनकम है। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर के बेसिस पर आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए रेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं पर मंथ। तो यहाँ से हमने ये देखा कि आपको कैपिटलाइज वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कैपिटलाइज वैल्यू होती है नेट इनकम इनटू इयर्स परचेस। इयर्स परचेस जो होता है वो होता है 100/R। अब यहाँ से आप जब इयर्स परचेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो नेट इनकम आप यहाँ पे निकाल पाएंगे क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू आपको दी हुई थी। कैपिटलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय इयर्स परचेस से आपको नेट इनकम मिल गई। नेट इनकम की हेल्प से आप ग्रॉस इनकम निकाल सकते हैं। ग्रॉस इनकम जो होती है नेट इनकम प्लस आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स आपको दी हुई थी 10% ऑफ ग्रॉस इनकम, तो 10% ऑफ ग्रॉस इनकम नेट इनकम हमने कैलकुलेट कर ली थी 60,000। तो इसकी हेल्प से ग्रॉस इनकम हमने कैलकुलेट कर ली पर ईयर की, लेकिन रेंट पर मंथ निकालना है अगर, तो रेंट पर मंथ के लिए जो भी ग्रॉस इनकम आई है डिवाइडेड बाय हम 12 कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा रेंट पर मंथ। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा जिसमें कि हमने रेंट का कैलकुलेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यूएशन के और भी मेथड्स को देख लेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।